बेटा कटोरी भी खा जा। He is Nawab. Hello, I'm Rishan. Hello, my name is Imani. और मैं राजी। And welcome to the Tripod Journey. Hello, welcome back. आप सभी लोगों का स्वागत हमारे चैनल The Tripod Journey में। और सबसे पहले हमारा लास्ट व्लॉग जो था छोले भटूरे, जी हाँ ये रहा लिंक, उसको इतना प्यार देने के लिए, उसको इतना शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरा यकीन है कि आपने बड़े मजेदार फूले हुए भटूरे बनाए होंगे अपने गर्म गर्म छोलों के साथ। जी हाँ, तो छोले भटूरे की अपार सफलता के बाद वी आर हियर विद अनदर व्लॉग। जैसा कि आपको पता ही है कि त्योहारों का सीजन चल रहा है और थोड़े ही दिनों में दिवाली आने वाली है, तो आज हम बना रहे हैं घर में गर्मा गर्म गुलाब जामुन। तो आप इनको भी ट्राई कीजिएगा जरूर और ये ब्लॉग पूरा देखिए। प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइए ताकि जैसे ही हमारे वीडियो अपलोड हो सीधा आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए और आप जल्द से जल्द हमारा धमाकेदार मजेदार वीडियो देख सके। तो जी शुरू करते हैं घर के बने हुए गुलाब जामुन। आज हमारे नए शेफ हैं, हाँ तो दिवाली के लिए हमारी जो टेस्टिंग और ट्रायल शुरू हो चुके हैं और आज हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, घर के गुलाब जामुन। और आई होप वो गुलाब जामुन ही बनकर आए। आपके भटूरे पापड़ी बने थे, मट्ठी हाँ, तो ये गुलाब जामुन आया और गुलाब जामुन बने। और आज मैं कैमरामैन ही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहता हूँ, पिछली बार के जो काम से मैं थक गया था। I know, hard work. सारे इंग्रेडिएंट्स हमने पहले से ही रेडी करके रखे हुए हैं और इसमें है मेरी रेसिपी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 200 ग्राम्स ऑफ स्किम्ड मिल्क पाउडर। ये है स्किम्ड मिल्क पाउडर, नॉट द फुल फैट वन। उसके बाद मैदा 35 ग्राम्स, ये है मैदा 35 ग्राम्स। उसके बाद 20 ग्राम्स सूजी, 20 है ना, देख लो आप रेसिपी में। हाँ, अग्रवाल स्वीट्स की रेसिपी है ये, वैसे भी मेरी हल्दीराम की है। अच्छा, आपकी हल्दीराम की है, ठीक है। फिर 2.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर गया इसके अंदर और थोड़ा सा नमक चुटकी भर नमक की कीमत, और इसका इम्पोर्टेंट फ्लेवर कार्डमम, ये पाउडर है। और इसके बाद इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच घी, आई थिंक 1.5 चम्मच जितना ही है। एक मसाला डाल रही हूँ। गुलने में कितना टाइम लगेगा? किस में बेटा? गुलने में कितना टाइम लगेगा? रसगुल्ले में। बेटा रसगुल्ला नहीं है, गुलाब जामुन है। को थोड़ा सा ड्राई को मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, ये मिक्स हो गया। अब इसमें हम डालेंगे दूध 200 ml, 200 ml। ये जो है ये फुल फैट मिल्क है, रूम टेम्परेचर का था। सारे बर्तन यहाँ से ले, यार ये गुलाब जामुन कम हो रही है, चीले की डो मुझे ज्यादा लग रही है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, कॉमेडी हो जाएगी, सीरियस वीडियो नहीं बनेगा, कॉमेडी हो जाएगी छोले भटूरों की तरह। अब 2 टीस्पून नींबू, टीस्पून चाहिए। हाँ ये है टीस्पून, हेल्प करनी पड़ेगी तुम्हें, मुझे हेल्प करना प्लीज। आइए रिशान डालो भाई, डालो। वन थैंक यू। ये शुगर सिरप के लिए। बेटे लास्ट टाइम जो था ना वो मेरा बकरा बन रहा था, इस बार बकरी बनेगी। बकरी आपकी? हाँ, इसको मिक्स करके हम 30 मिनट्स रख देंगे, ठीक है, 30 मिनट्स के लिए वेट करेंगे, ठीक है। एंड विल होप कि कुछ मैजिक हो जाएगा क्योंकि ये सच में बहुत रनी लग रहा है मुझको। रनी? एंड मीनवाइल हम जो है शुगर सिरप बनाएंगे। शुगर सिरप यानी कि चाशनी। चाशनी
हम करके जो ये शुगर सिरप है क्या गुलाब जामुन में डिप करके खाएंगे? गुलाब जामुन को उसमें डिप कर बहुत है बेटा। शाहरुख खान कपड़े पहन ले। हाँ अलार्म लगा देता हूँ 30 मिनट का, ठीक है। ये वैसे वाइब तो मुझे दे रहा है इडली के मिक्सर वाली। चाशनी के लिए 600 ml वाटर में हम 600 ग्राम डालेंगे चीनी। जब तक वो डो रेस्ट हो रही है 30 मिनट्स के लिए हम चाशनी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये है 600 ml वाटर और ये है 600 ग्राम ऑफ शुगर। बाकी बचे हुआ नींबू 2 चम्मच और थोड़े से सैफ्रन के स्ट्रैंड्स, दैट्स इट। आप भी आग लगा दोगी अपनी रेसिपी से? मैं क्यों पीछे रहूं जैसे तुम्हारे भटूरों ने आग लगाई? अरे भटूरे इतने पॉपुलर हो गए हैं। नहीं अगर मैं ना बनाने में पहले बता दूं तो ये मत सोचना। ये क्या केसर डाल रही हो? हाँ सैफ्रन। बेटे इसके वर्डिंग क्या है ऋषा? अरे बाकी का बच्चा हुआ नींबू 2 चम्मच। 30 मिनट्स होने वाले हैं तो हम तेल डाल के उसको गर्म करते हैं, बट तेल नहीं है पूरा, प्लीज लेकर आओ। ये कुछ देखा हुआ लग रहा है पिछले हफ्ते का मुझे। और चाशनी भी रेडी हो रही है पहले से। मुझे इसको देख कर डर लग रहा है कि बनेगा भी बनेगा, बहुत पतला हो गया था ये तो बिल्कुल। अरे आपकी ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है हल्दीराम स्वीट्स की। है नहीं ना, आपकी तरह हर कोई रेसिपी देता नहीं है ना असली वाली, एक कोई चीज गायब कर देता है कि वापस नहीं का। अब ये तो हम ही हैं भाई जो दे देते हैं सारी की सारी रेसिपी पूरी की पूरी। नहीं देते, पकड़ा है तुम्हें 2 बार। आई थिंक अब हम उसे देखना चाहिए कि क्या हो रहा है ना। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। आर यू रेडी? यस आई वांट टू फील इट। अरे हां देखो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई। ये लो हाथ में स्प्रे कर लो थोड़ा सा, अब बनाओ आ जाओ। मम्मा एक और देगी। पापा आपको स्प्रे करते रहना पड़ेगा हमारे। हाँ ऐसे कर सकते हो? ठीक है जी मैं स्प्रे कर दूंगा क्योंकि आपके हाथ में ये नहीं लगा हुआ है ना। तो एक काम करो आप गोले बनाओ राउंड दोनों हाथ से, बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं पड़ना चाहिए। नो क्रैक, मोर 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 मोर। ये बड़ा हो गया थोड़ा, इसको छोटा करते हैं। मेरे हिसाब से तुम पहले क्या करो इनको इक्वल साइज में काट दो। अच्छा और उसके बाद गोले बनाओ, नहीं तो उसमें पहले इक्वल साइज से तुम इसकी डो को डिवाइड कर दो। ओके स्प्रे करो मेरे हाथ में और उसके बाद तुम क्या करना? हाँ यहाँ पे रख दो। अब कह रहे हो ना तुम ऐसे करने, पहले इसको बराबर साइज में कर दो उसके बाद गोले बनाना, ज्यादा इजी रहेगा। और तुम्हें पहले अपने हाथ साफ करने होंगे। हाँ क्योंकि गोले तो मैं ऐसी तो बना रही हूँ। Put the tip right here, squeeze it, put it in the other way, and roll your top hand onto the bottom hand like this. Change कर रहे हैं। आप क्यों change कर रहे हैं? आपने कौन सा करा बताओ? मैंने बहुत सारे करे। अभी 2 more बचे हैं ये कर दो। Change ना, because you're too scared. ऐसे मैंने expect नहीं किया था इसकी ऐसी dough like consistency होगी। मैं तो डरी गई थी। पानी पानी सा देख के नहीं, डर तो तुम भी कर, डर नहीं तो खुश हो गए। मैं डरा तो था लेकिन उसके बाद फिर मैं बहुत खुश हो गया था। अरे वाह कुछ याद आ रहा है मुझे तो। वाओ चुपक रही ना, पहले 2 ही डाल बनाती मैं। नहीं मैं कुछ बोल ही नहीं रहा भाई, हम तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। आप जो हो हमारे ट्राइपॉड जर्नी चैनल में एक मेंबर बनना चाहते हो? हाँ
हमारी वीडियो हो रही है शूट अभी। चाशनी बेटा, चाशनी में कोई भी चीज ना गरम गरम ही डालनी होती है, तभी वो पीती है। नहीं चिपकेगा बेटा, उसका तेल का टेम्परेचर अच्छा है, चिपकेगा। ओए ओए, स्पेस में जी बता दे पड़ जाएगी बेटा। ओके ऋषान बाबा, वो कटोरीज निकालो, रेडी टू गो। हां बन गए हैं क्या? यस। टाडा, डाइनिंग टेबल पे ले गया बच्चे। या पहले इधर दे दो मम्मा को, फिर उसके बाद लेके जाएंगे। बाय। मच डार्लिंग, ऑफ दिस प्रेजेंट ऑफ इज क्लोज। बेटा तो ठीक ठाक बन गए वैसे। ठीक ठाक। ओके। हैं? माइंड ब्लोइंग होंगे जब खाएंगे तो। ओहो। तो ठीक ठाक लग रहे हैं। वाओ। टाइम टू ईट। अब थोड़ा सा इनके गुलाब जामुन के बारे में क्रिटिकल होना पड़ेगा मुझे। ओहो, ओए 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 ओए। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो। तो भटूरों की अपार सफलता के बाद हमने आपको एक और रेसिपी दी है, वो है गुलाब जामुन की। इनको जरूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे हैं। और इसके बाद आपको सुबह 5 किलोमीटर दौड़ना भी पड़ेगा। वो तो 500 का कुछ नहीं आएगा, वो तो 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हम आपको अगले किस कब मिलेंगे रिशान? हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय कर दिया जाए सबको। और प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक अवर चैनल, कमेंट करें, लाइक।